नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में अविरल। जहां एक ओर देश कोरोना संकट काल के बीच 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रही है, तो वहीं स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाए जाने से ठीक एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आज सुबह फिर अपना रंग दिखाया है और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने शुक्रवार तड़के श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके नागम में एक पुलिस टीम पर हमला किया। आतंकियों की ओर से की गई अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा आतंकी हमले में 3 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि आतंकवादियों ने नागम बाईपास के पास पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 3 पुलिस कर्मी घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जहां 2 लोगों की शहादत भी हुई है। बता दें कि आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिए गए इस हमले के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने शुक्रवार सुबह नौगाम बाईपास पर एक पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इनमें से 2 पुलिस वालों की मौत हो गई और एक अब भी घायल है। तो वहीं कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया कि आतंकियों ने पीछे से अचानक टीम पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं और एक घायल है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन जिस गली से फायरिंग हो रही थी वो बहुत ही छोटी थी और आम लोगों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। IGP कुमार ने कहा कि फोर्स आ गई है और पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। न्यूज प्लस के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर गया, जिसमें हमारे 2 सिपाही शहीद हो गए, एक जख्मी हुए। हम लोग पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिए हैं और इसमें जैश मोहम्मद का हाथ पकड़ा है और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कॉर्डन चल रहा है, चल रहे, देखते हैं। सर, इस तरह के इनपुट्स पहले थे आपको कि ऐसा कुछ वाका पेश आ सकता है? हाँ, बिल्कुल था। हर एक 26-15 अगस्त के पहले ऐसा इनपुट आते रहता। इसका भी इनपुट था कि किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। लड़के वहाँ अलर्ट थे, आप जैसा देखे उनके PPE जैकेट पटका हुए पहने थे, पूरा मुफ्त था। एक पीछे से छिप के आ गया और फायर किया, जिससे हमारे जोर के शहीद हो गए। लेकिन हम लोग इसको सर आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कौन है। सर, ये एरिया जो है कॉर्डन कर लिया आपने, जांच पड़ताल चल रही है, स्पेशली सिक्योरिटी, आप समझते हैं कि थोड़ा लैकिंग या लूप होल्स कहीं ना कहीं थे जिसकी वजह से स्ट्राइक कर गए? लूप होल नहीं, आप देख लीजिए गली कितना नैरो है, इसमें सिविल के मूवमेंट होते रहता है। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट पेड़ था कि सिविलियन के मूवमेंट होते रहता है, तो इसको लूप होल नहीं। कितना चैलेंजिंग समझते आप 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे? हर एक साल चैलेंजिंग रहता है, हालांकि कश्मीर में हर डेली चैलेंजिंग जो दूसरी रहता है। सर, 15 अगस्त कल है, सिक्योरिटी के इंतजाम की अगर हम बात करें तो क्या इंतजाम थे? कल भी आप लोग पूरी हम लोग तैयारी कर चुके हैं। यह हादसा हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया। इसमें चूंकि भीड़ भाड़ था, लोगों का मूवमेंट था, तो हमारे जवान अगर रिटेलिएट करते अंधाधुंध तो सिविलियन का लॉस हो सकता था। इसने हमारे लड़कों को बहुत रेस्टेंट किया, लेकिन इसको हम लोग प्रोफेशनल ढंग से न्यूट्रलाइज करेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।